में नववर्ष के मौके पर नवयुवकों ने किया एक विशाल भंडारा। मथुरा गोवर्धन थाना बरसाना के अंतर्गत आने वाले गांव सहार में कैलादेवी मंदिर पर सर्व समाज ने जगराता किया गया। नववर्ष पर एक विशाल भंडारे का आयोजन करती है जिसमें मुख्य ब्रजबिहारी शर्मा जी रहे। भंडारा समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से किया जाता है जिसमें भारी संख्या में साधु संत एवं भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। राधा वल्लभ मंदिर के महंत वैष्णव दास बाबा ने बताया कि भक्तों के द्वारा प्रति नववर्ष पर माता रानी का जागरण किया जाता है और उसके दूसरे दिन भंडारा किया जाता है। समस्त ग्रामवासियों ने इस भंडारे को एक विशाल भंडारे का नाम दिया है जिसमें सहार के 10 नगला और समस्त सहारवासी जिसमें 25 जाति के लोगों के सहयोग से इस भंडारे को सफल बनाया है। भंडारा 1 जनवरी की सुबह 8 बजे से प्रारंभ होता है और देर रात तक चलता है। सभी भक्तों एवं बाहर से आने वाले लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। वैष्णव दास बाबा, निरुत्तम शर्मा, गोपाल शर्मा, संतोष सेठ, डीलर रामकिशोर, नेताजी रामकिशन, उमेश कुमार, ब्रज बिहारी उर्फ बिहारी, ब्रज नंदन, राजू बघेल, श्याम प्रधान, राम प्रसाद सैनी, रहमत खान डीलर, जितेंद्र पांचाल पत्रकार, समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। ये आयोजन कैला माता के मंदिर पर समस्त ग्रामवासियों द्वारा आपसी सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए किया गया। शुरुआत में हमारे गांव के ही कुछ छोटे छोटे बच्चों ने शुरुआत की थी और आज इसने भव्य रूप लिया है। इसमें सभी ग्रामवासी न कोई जात देखते हैं, न कोई पंथ देखते हैं, न कोई धर्म देखते हैं और पूरे तन मन धन से एकत्र होते हैं और इस भंडारे का आयोजन करते हैं। सभी इसमें अपना सहयोग भी देते हैं और बड़े आनंद के साथ कई सालों से इसको इसी प्रकार से आयोजित कर रहे हैं। नववर्ष के अवसर पर कैला माता की कृपा से यह आयोजन समाज के सभी वर्गों को माने और उम्मीद करते हैं कैला माता से और सभी अपने अल्लाह ताला से, अपने भगवान से इसी प्रकार से हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में आपसी सौहार्द बना रहे। और दूसरी बात यहां की विशेषता है, चाहे देश में कुछ भी हो रहा हो, यहां का भाईचारा टूट नहीं पाया और ये सब हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से। किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, हमारे बुजुर्गों ने जो शिक्षा दी है कि यह एक अनूठा क्षेत्र है जहाँ कभी कोई झगड़ा किसी भी प्रकार का होता ही नहीं और छोटा मोटा होता भी है तो ऐसे आयोजनों में आके सब एकत्र होते हैं और वो दोबारा से हाथ जुट जाते हैं।